तो बहुत स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल पेपर हैकर में। मैं सूरज राज आज के इस वीडियो देखने वाले हैं, जो भी छात्र यूपी की आल यूनिवर्सिटी के लिए उनके लिए देखा हूँ, बीएससी थर्ड ईयर वालों के लिए। देखिए बीएससी थर्ड ईयर वालों के लिए जियोलॉजी का सेकंड पेपर, जिसे हम बोलते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक के लिए पहले इंपोर्टेंट, पहले से ही मैंने इंपोर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो प्रोवाइड करा रखी है। ये है बेटा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सेकंड पेपर है यूपी की आल यूनिवर्सिटी के लिए, ठीक है, 2022 में आने वाले क्वेश्चन। आप ये 16 या फिर 17 क्वेश्चन होंगे, इन क्वेश्चन को ही पढ़ना है, बाकी कुछ मत देखना, क्योंकि आपको पता है 18 से 20 क्वेश्चन बन रहे हैं, जिसमें से 14 से 15 क्वेश्चन आपको करने होते हैं पेपर में, हर पेपर में ये हो रहा है शेड्यूल। लेकिन आगरा यूनिवर्सिटी में जरूर है, 10 क्वेश्चन पूछ रहा है, जिसमें से 4 क्वेश्चन करने बेटा करने हैं। ऐसा मत सोचिए कि 4 क्वेश्चन करने हैं, उसके अंदर भी उसने 2-2, 3-3 क्वेश्चन डाले होंगे, चिंता मत करो, पेपर तो आने दो, फिर तुम्हें पता चलेगा कितने क्वेश्चन, लगभग वो भी क्वेश्चन जो पूछेगा ना, कम से कम तो 25 क्वेश्चन पूछेगा, 10 क्वेश्चन के अंदर 25 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन के अंदर 25 क्वेश्चन होंगे। और फिर पता है क्या करने वाले हो, 10 क्वेश्चन के अंदर कितने होंगे, 25 क्वेश्चन होंगे, और आप हैरान करो मानोगे कि भाई क्या क्या करूं। तो इसलिए 10 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन होंगे, उसके कम से कम 8 क्वेश्चन होंगे, 2-2 क्वेश्चन करने पड़ेंगे तुम्हें। तो चिंता मत करो, थोड़ा मेहनत कर लो, संघर्ष करो, तब कुछ मिलने वाला है, तब आपको सफलता मिलेगी अच्छे नंबर वाली। आप केवल पास होना चाहते हो तो पास तो ऐसे ही हो जाओगे, मैं केवल पेपर से पहले केवल 7-8 क्वेश्चन बता दूंगा, वही पढ़ के चले जाना, पेपर में आ जाओगे पास, तो भाई उससे हो जाओगे, लेकिन पास नहीं, तुम्हें टॉप करना है 2022 के एग्जाम में, 85% प्लस लाना है। देखो संघर्ष करने से ही टॉप होते हैं, याद रखना इस बात को, टॉपर बनना है आपको। अब देखो जो जो क्वेश्चन मैं आपको बताऊं, अपने बुक नोट्स कैसे पेपर में टिक लगा लेना, यही पढ़ना है, बाकी कुछ नहीं पढ़ना है, समझ रहे हैं मेरी बात को, चाहे वो आगरा यूनिवर्सिटी से हो, एमजेपीआरयू रोहिलखंड यूनिवर्सिटी बरेली से हो, मेरठ यूनिवर्सिटी से हो, ठीक है, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से हो, बनारस यूनिवर्सिटी, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, या फिर वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी, सिद्धार्थ नगर, राम मनोहर, ठीक है, गोरखपुर यूनिवर्सिटी, जो भी यूनिवर्सिटीज है, अब याद रखना वही क्वेश्चन पढ़ना है जो जो क्वेश्चन बता रहा हूँ। गर्मी ज्यादा हो रही है मुझे पता है, इस क्वेश्चन को फटाफट खत्म करते हैं पेपर को, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, तो पहली बार आए, और जो खिलाड़ी भैया XYZ न्यू चैनल है उस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहां देखो क्या बोला गया है, देखो पिरोल क्या होता है, पिरोल और पिरिडीन बनाने की विधि, पिरोल बनाने की विधि, पिरिडीन बनाने की विधि, उसके बाद में देखेंगे ये वाला क्वेश्चन, ओसो, देखो ओसाजोन बनाने की विधि आपसे पूछेगा सबसे ज्यादा, पता है कहां पूछता है, देखो मैं बता दूं, ये क्वेश्चन 100% बनेगा, पिरोल और पिरिमिडीन इनमें से एक क्वेश्चन बनेगा, क्योंकि ये विषम, 5 विषम चक्रीय योगिक होता है, ये 6 विषम चक्रीय होता है, ये 6 होता है, ये 5 विषम चक्रीय होता है, ये 6 विषम चक्रीय योगिक होता है, तो इस तरीके से बने होते हैं, इसलिए ये क्वेश्चन या तो 5 वाला पूछता है या 6 वाला, ये पिरोल पूछेगा या पिरिमिडीन बनाने की विधि, इनमें से एक बनेगा, लगा लिख के ले लो, सच बता रहा हूं। उसके बाद में ये वाला कार्बन धात्विक योगिक, कार्बन धात्विक योगिक ग्रिग्नाइट अभिकर्मक बनाने की विधि, समझ रहे हैं, ग्रिग्नाइट अभिकर्मक बनाने की विधि, और यहां देखो कार्बन लिथियम बनाने की, यहां जो कार्बन लिथियम एलआई जहां होगा वहां एल्युमिनियम भी पूछ लेगा, एमजी मैग्नीशियम भी पूछ लेगा, समझ रहे हैं, एलआई लिथियम होता है तो लिथियम की जगह एल्युमिनियम भी पूछ लेगा, मैग्नीशियम पूछ लेगा, तो जहां एलआई लिखा है वहां वही सब कुछ उतार देना, बाकी जगह पे एल या फिर एमजी चढ़ा देना, बस काम हो जाएगा, वहीं से बना बना के कर दोगे, मुझे पता है, यदि गलती से आ भी गया तो भी, ठीक है मैं बता रहा हूं, ध्यान से समझ लेना, ये आप देख रहे हैं ना क्लोरीन और आइसोक्लोरीनिल, इन दोनों की संरचना को अच्छी तरीके से, बहुलीकरण बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुलीकरण मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसके दो टाइप होते हैं, एक होता है युगात्मक, एक होता है संघनन बहुलीकरण, दोनों बहुलीकरण को अच्छी तरीके से पढ़ लेना, 100% ये पेपर में छपेगा, वो भी वेरी शॉर्ट क्वेश्चन में या शॉर्ट क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है। ये आप देख रहे हैं ग्लूकोज के रिंग स्ट्रक्चर, मोस्ट इंपॉर्टेंट, लॉन्ग क्वेश्चन बनेगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको देखिए लैक्टोज और सुक्रोज, ठीक है, सुक्रोज और लैक्टोज दोनों, और ये जो नाइलॉन 6x6 देख रहे हैं ना, नाइलॉन 6x6, ये क्वेश्चन वेरी शॉर्ट क्वेश्चन में बनाने की विधि पूछता है कि नाइलॉन 6x6 को बनाने की विधि, लैक्टोज बनाने की विधि, सुक्रोज बनाने की विधि और ग्लूकोज बनाने की विधि एवं उनके रिंग संरचना, ठीक है, रिंग संरचना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ग्लूकोज की। और उसके बाद में नीचे पहुंच जाना, देखो ये देख रहे ना फिनोलोफेप्थिलीन बनाने की विधि, और देखो सल्फाग्लू एडेनिन बनाने की विधि, इनको पढ़ लेना बहुत ज्यादा, अमीन अमीनो अम्ल जो होता है ना, अमीनो अम्ल बनाने की विधि एंड टर्मिनल और सी टर्मिनल द्वारा, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत बहुत, ठीक है। टेफ्लॉन देख लेना, टेफ्लॉन बनाने की विधि, नायलॉन 6x6 तो मैंने पहले बता दिया, मेथिल ऑरेंज बनाने की विधि, इसको छोड़ देना है, बात छुट्टी करो, इतना लगा लिया आपने, समझ लो
क्वेश्चन बेटा पढ़ के चले जाना, मैं आपसे वादा करता हूँ। कुछ बच्चे जगह रहते आग, मैं नखल सॉरी कानपुर यूनिवर्सिटी में हूँ, मेरा फर्स्ट पेपर जो होगा इनऑर्गेनिक वाला वो एमसीक्यू होगा, ऑब्जेक्टिव होगा। तो ऑब्जेक्टिव वाले नोट्स को डाउनलोड कर लेना, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है हमारी वेबसाइट का, paperhacker.in पे जाओ, वहां फ्री में आपको नोट्स मिल जाएंगे, एमसीक्यू वाले फ्री में मिल जाएंगे। और आप हमेशा के लिए हमारी पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो आपको पैसे देने पड़ेंगे, केवल पढ़ना चाहते हैं तो आप पढ़ सकते हैं वो भी फ्री में, ठीक है, एप्लीकेशन को डाउनलोड करके। देखो यूवी स्पेक्ट्रम और आईआर स्पेक्ट्रम मोस्ट इंपोर्टेंट होता है, और ये वाला स्पेक्ट्रम भी आपसे पूछ लेता है, डीएनए आरएनए की संरचना को आपको देख लेना, हो सके तो एन देखो आईआर स्पेक्ट्रम ये और एनएमआर स्पेक्ट्रम इसको छोड़ देना है, ये दो को पढ़ेंगे, डीएनए आरएनए में संरचना और डीएनए आरएनए में अंतर आपसे पूछ लेगा, और आपसे पूछ लेगा कि डीएनए की संरचना के बारे में। उसके बाद है विषम चक्रीय यौगिक कौन कौन से होते हैं, विषम चक्रीय यौगिक का वर्णन करने के लिए पूछेगा, और ये क्वेश्चन आप जो देख रहे हैं नीचे देखिए ये वाला आर्थो पैरा हाइड्रिक्स बेंजल हेड और इसको अवरक्त स्पेक्ट्रम के द्वारा, अवरक्त स्पेक्ट्रम को पढ़ लेना बस, बाकी छुट्टी पढ़ो, इसको छोड़ो खत्म करो, ठीक है। देखो सल्फोनल बनाने की विधि, सल्फोनल बनाने की विधि को याद करेंगे, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। और देखो पैरामेथिल एसीटोफिनॉल बनाने की विधि, ये छोड़िए खत्म करो इसको, इसको देखो सल्फोनामाइड बनाने की विधि, पॉलीपेंटाइड क्या होता है, पॉलीपेंटाइड सल्फोनामाइड बनाने की विधि, और ये सल्फोनल बनाने की, सल्फोनामाइड और सल्फोनल इन दोनों में आपको अंतर पूछ लेता है या आपको दोनों में से बनाने की विधि पूछ लेता है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसको एक बार पढ़ के जाइए। आरएनए संरचना ऊपर बता चुका हूं, अमीनो एसिड बता चुका हूं, खत्म करो इसको। और न्यूक्लिक अम्लों के घटक आपसे पूछेगा तो पूछेगा शॉर्ट में, वरना नहीं पूछेगा, इसको देखिए एक बार पढ़ के जरूर जाना है। और ये है एपिमेरीकरण क्या होता है, टिप्पणी की एपिमेरीकरण पर पढ़ लेना, प्रोटीन की संरचना के बारे में पढ़ लेना, पॉली स्टाइरीन क्या होता है, पॉलीस्टाइरीन बनाने की विधि, पॉलीस्टाइरीन बनाने की विधि को पढ़ लेना, ठीक है बेटा, टिक लगा लिए ये सब, देखो टिक लगा लेना, इतना ध्यान से देख लो, ये देखो पसीना आ रहा है, पता है क्यों, मेहनत करने से मिलता है बेटा, सब कुछ करो, लाइट नहीं चल रही है, बहुत टाइम से लाइट नहीं आ रही है, ठीक है। अब फिर भी मैं वीडियो बना रहा हूँ आपके लिए क्योंकि पेपर आपके करीब है, और इसलिए सारे मुझे वीडियो देना बहुत जल्दी है, ठीक है, कि आपको सारी वीडियो प्रोवाइड कराऊं ताकि कोई दिक्कत ना आए, आप अच्छे नंबर से पास हो, ठीक है बेटा, मेहनत कर लो थोड़ी सी, अच्छे नंबर से पास होना यार, कुछ करना है ना जिंदगी में तो यार, देखो 50% से ऊपर जब लाओगे ना तभी आपका कुछ मिल पाएगा, थर्ड ईयर में हो थोड़ी मेहनत कर लो बेटा, थर्ड ईयर ही मेहनत करने के लिए मिलती है, बाकी सेकंड ईयर थर्ड ईयर में तुमने क्या किया पता नहीं, उसी हिसाब से मुझे मिलेगा, मुझे पता है। आप थोड़ा थर्ड ईयर में मेहनत कर लो, 50% से ऊपर लेके आना टोटल में, याद रखना, वरना तुम किसी काम के नहीं हो, तुम समझ लेना। यहाँ देखो रंजक डेज क्या होता है इसको याद कर लेना, और टेरिलिन बनाने की विधि डीएनए आरएनए में अंतर ऊपर बता चुका हूं। यहां से एक क्वेश्चन बनेगा पेपर में देखने के लिए, या तो पूछेगा फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड रेजिन बनाने की विधि, या आपसे पूछेगा यूरिया फॉर्मल्डिहाइड रेजिन बनाने की विधि के बारे में आपको बताना है, या तो आपसे इतना पूछेगा ये क्वेश्चन, या आपसे यूरिया वाला पूछ लेगा फॉर्मल्डिहाइड वाला, ठीक है। तेल, और यहां देखो तेल का अम्लमान सावलीकरण किसे कहते हैं, आयोडीन मान क्या होता है, ये क्वेश्चन आपके बुक में नोट्स के आधार पर हो तो पढ़ लेना, यदि ना हो तो छोड़ देना। देखो तेल का अम्लमान सावलीकरण, आयोडीन मान, और लास्ट में है तेल का हाइड्रोजनीकरण पर टिप्पणी, ये क्वेश्चन थे 2022 में आने वाले, बस ये क्वेश्चन याद करके आप 85% प्लस लाएंगे, ये मैं आपसे वादा करता हूं। और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए, देखो यार लाइक कर दो, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को शेयर कर दो, कोई दिक्कत है तो कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताना है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो तक के लिए बेटा, बाय बाय, चैनल को सब्सक्राइब कर।